नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फिर वीडियो में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है राज और काफ़ी दिनों से जो है कि मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे कुछ रीजंस थे, कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं था, मतलब अब क्या ही बताऊँ। ठीक है, इसलिए हम अब मेन जो है टॉपिक जो वीडियो है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम रील्स करके एक नया फीचर जो है कि लॉन्च हुआ है इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे जो है कि आप टिकटॉक जैसी सेम टू सेम 15 सेकेंड की वीडियोज बना सकते हैं। वहाँ पे जो है कि आपको सेम टू सेम जो है स्पीड जो है कि स्लो फास्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो है कि कस्टम जो है कि अपने ऑडियो सेटअप कर सकते हैं, यानी कि आप सॉन्ग लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना खुद का वॉइस यूज करना तो वो भी जो है कि कर सकते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये एक टिकटॉक का मतलब एक नया रूप है जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है कि उन टिकटॉकर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है जो कि 15 सेकंड की वीडियो बनाने में काफ़ी हद तक एक तरह से महारत हासिल कर चुके थे। अगर उनको कहा जाए कि आप 4 या 5 मिनट की वीडियो बनाइए तो उन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा कि आखिर हम कैसे बनाएं, क्या करें। लेकिन 15 सेकंड की वीडियो स्लो मोशन थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह डाल वोल के 15 सेकंड की वीडियो बनाना उनके लिए काफ़ी ईजी था और काफ़ी जो कि अच्छे तरीके से बना ले रहे थे। काफ़ी उनका जो इम्प्रेशन होता था काफ़ी अच्छा होता था उस वीडियो की, 15 सेकंड की वीडियो थी। अनफॉर्चुनेटली जो है कि टिकटॉक बंद होने की वजह से उनका जो है कि काफ़ी हद तक अपने ऑडियंस से इंट्रैक्शन जो है कि टूट चुका था। तो वो जो है कि जैसे ही टिकटॉक बंद होने वाला था उन्होंने जो है कि अपने फॉलोअर्स को कहा था कि आप मुझे जो है कि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, लेकिन काफ़ी खुशखबरी की बात है उनके लिए जो है कि इंस्टाग्राम ने लॉन्च कर दिया रील्स फीचर जो है कि काफ़ी अच्छा है। तो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें जो है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि सेम टू सेम टिकटॉक, इवन टिकटॉक से भी बेटर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है कि काफ़ी राहत होगी टिकटॉकर्स के लिए जो कि खाली अभी बैठे होंगे मे बी, लेकिन अभी जो है कि उनके लिए ऑप्शन आ गया है कि फिर से जो है कि अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और जो है कि फिर से जो है कि आप अच्छा कर सकते हैं। जिनके पास टैलेंट है उनके लिए प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता दोस्तों, लेकिन जो है कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि 15 सेकंड की वीडियो में काफ़ी अच्छा कर ले रहे थे। उन्हें जो है कि काफ़ी टाइम लगता था, मे बी 4 घंटे या आई डोंट नो। तो फिर से जो है कि ये लॉन्च हो चुका है और इसमें जो है कि अब वो फिर से जो है कि वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए आगे की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे जो है कि आप इस फीचर का यूज करके टिकटॉक जैसे सेम टू सेम वीडियो बना सकते हैं, कैसे जो है कि आप AR इफेक्ट यूज करेंगे। तो दोस्तों इंट्रो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके जो है कि इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम रील्स का फीचर जो है कि नहीं शो हो रहा है, वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको इंस्टाग्राम को सिंपली अपडेट कर देना है। अपडेट जैसे आप कर लेंगे उसके बाद जो है कि आपके पास जो है कि वो ऑप्शन जो है कि शो होने लगेगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि आपको जो है कि वीडियो कैसे शूट करना है, एडिट कैसे करना है, एक्चुअली में कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो चलेंगे यहाँ पे जो है कि अपने इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाने के बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे योर स्टोरी नाम, जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे कि हम जो है कि स्टोरी अपडेट करते हैं तो वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो है कि एक रील का ऑप्शन मिल जा रहा है। ठीक है, रील पे जैसे ही आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि कुछ ऑडियो वगैरह सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ सब जो है चाहें कि जो कोई भी अगर सॉन्ग है, जो भी आप सॉन्ग यूज करना चाहते हैं, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ से ब्राउज करके अपना जो है कि कस्टम भी आप जो है कि लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है कि आप अपनी म्यूजिक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि स्पीड दिया हुआ है, आप वीडियो को कितना स्पीड रख सकते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस इफ़ेक्ट्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप स्वाइप करते जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है कि इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपके पास टाइमर दिया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप अगर फ़ोन खुद से ही पकड़े हुए हैं, आप मतलब अपने आप से ही जो है कि वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है कि टाइमर मिल जाएगा कि कितने सेकंड के बाद आपको जो है कि वीडियो रोकना है। ठीक है, आप जो है कि ऐसे जो है कि टाइमर सेट कर करके जो है कि अपनी वीडियो को क्या कर सकते हैं कि आप बना सकते हैं, यानी कि यूँ कहे तो आपको अगर कुछ स्टेप्स करने हैं, आप चाहते हैं कि इतने सेकंड बाद जो है कि मेरी वीडियो रुक जाए,
उसके बाद जो है कि आप दूसरा स्टेप करेंगे, आप जो है कि आपको सिंपली जैसे टाइमर सेट करना है, ठीक है। आप सेट करने के बाद ऐसे ओके कर देंगे, टाइमर सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो है कि हम सिंपली एक नॉर्मल सी जो है कि वीडियो यहाँ पे शूट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे टाइमर पे, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख देता हूँ 7, ठीक है। यहाँ पे जो है कि 7 सेकेंड्स मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे जो है कि आप चाहे तो म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि फ़िलहाल मैं म्यूजिक नहीं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जाऊँगा, यहाँ पे स्पीड जो है कि मैं स्लो कर लूँगा या फिर फास्ट कर लूँगा, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। सेकेंड के बाद स्टॉप हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जाके फिर जो है कि आप चूज कर सकें कितना सेकंड फिर से यूज करना है। ये मैंने यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद जो है कि मैं अपना जो है कि स्पीड थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पता चल जाएगा कि आप जो है कि वीडियो कहाँ से यूज करेंगे। अलाइन वाला ऑप्शन अगर यहाँ पे इसे कट कर देंगे, ठीक है, तो आप सिंपली वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ से दूसरा कर सकते हैं। अभी जो है कि मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद मैं कोई सा भी एक इफ़ेक्ट जो है कि यूज कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारे जो है कि इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो नेटवर्क हो सकता है स्लो है, आप देख सकते हैं जो है कि इफ़ेक्ट शो होने लग रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो है कि स्पीड को जो है कि मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ, ठीक है। स्पीड भी स्लो हो गया। अब सिंपली जो है कि मुझे नहीं है, सिंपली आप रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये जो है कि वीडियो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉर्नर पे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे। ये जो कि अभी वीडियो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे टाइमर चल रहा है, 7 सेकंड के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो है कि फिर से वीडियो स्टार्ट, तो गाइस ऐसा होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि आप सिंपली नॉर्मल सा कोई भी आप कैप्शन वगैरह डाल सकते हैं जो मन करे, ठीक है। आप इसका नाम दे सकते हैं, कुछ भी हैशटैग वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको जो है कि एक चीज़ मिल जाता है, यहाँ से आप जो कि स्टोरी पे भी डायरेक्ट जो है कि ये जो वीडियो आपने बनाया है अभी डायरेक्ट आप इसे यहाँ से स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं, यानी अपने स्टोरी पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी जो है कि अच्छा फीचर है आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो है कि एग्जैक्टली आप जो है कि टिकटॉक जैसी वीडियो जो है कि एडिट कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं और इसे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आप अपने ऑडियंस को ग्रो भी कर सकते हैं, खुद ग्रो हो सकते हैं। तो ये था आज के लिए पूरी जानकारी जो है कि इंस्टाग्राम रील्स के बारे में। अगर फिर भी आपके पास कुछ क्वेश्चन या डाउट हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, जो है कि हम उसे फिर से जो है कि आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप उसे जो है कि लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में जो है कि शेयर भी कर सकते हैं। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी जो है कि अपडेट्स देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।